जाओ फिर देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारा चलो जी ये है कि रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्वेरीज टुडे फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन जहरा बलोच सेड पाकिस्तान रिजेक्ट्स ये भारत के लिए बोल रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान रिजेक्ट्स द बेसलेस एंड फ्रिवलेस एक्सिशन मेड बाय द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हिज लेटेस्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फेलियर टू मलाइन एंड आइसोलेट पाकिस्तान पाकिस्तान ये कह रहा है साहब जो हमें आतंकवादी कहते हैं भारत ये बिल्कुल मलेशियस है यानी कि गंदी नीयत से है ये फ्रिवलेस है यानी बेकार है इसकी कोई वैल्यू नहीं है और भारत चाह रहा है पाकिस्तान की यू नो पाकिस्तान का नाम खराब करे और पाकि... इसमें भारत फेल हो रहा है इसलिए भारत फ्रस्ट्रेट हो रहा है ये जहरा बलोच साहिबा जो है मुमताज़ जहरा बलोच वो कह रही हैं यार मुझे लगता है ये पाकिस्तानी कौन सी अलिफ लैला की दुनिया में रहते यार तुम लोगों की पैंट उतारी जाती है एयरपोर्ट पर तुम्हारे प्रधानमंत्रियों की पैंट उतारी जाती है तुम कह रहे हो भारत तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है वो बेइज्जती उसकी होती है यार जिसकी इज्जत होती है हर जगह जलील करते हैं जब तुम फॉरन कंट्री में जाते हो तुम ये कहते हो कि हम इंडियन हैं कि लोग तुम्हें थोड़ी इज्जत से इज्जत दें तुम्हें वरना तुम्हें तो कोई इज्जत नहीं देता तुम्हारे स्टूडेंट यूक्रेन में तिरंगा लहराते भारत माता की जय बोलते हैं जय हिंद बोलते हैं तब तो लोग उनको जाने देते हैं कौन सी इज्जत ये, ये कौन सी इज्जत तुम्हारे पास नई नई आ गई जो तुमने जमीन खोद के निकाल ली भाई इज्जत फिरविलिस्ट प्रोफागेंडा एक बात बताओ हम तुम्हें कह रहे हैं टेररिस्ट ओसामा कहां पाया गया था तुम्हारे घर के अंदर छह साल तक तुमने पाल के रखा था किस देश के राष्ट्रपति ने यह बोला था कि ओसामा बिन लादन हमारा हीरो है लश्कर ए तैयब हमारा परवेज मुशर्रफ ने बोला है फॉर्मल इंटरव्यू है आप जाके देख लो आप जाके देख लो यूट्यूब में उसका इंटरव्यू अवेलेबल है किसने बीच में बोला था कि ओसामा बिन लादन शहीद है पार्लियामेंट में इमरान खान ने बोला था आप जाके देख लो कौन सा मुल्क तीन तीन बार एफ में आ चुका है कौन सा मुल्क दुनिया में तीन तीन बार एफ एफ में आ चुका है इट्स पाकिस्तान दुनिया आपको टेररिस्ट कह रही है देखिए जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला डॉक्टर जयशंकर ने कोई नई बात नहीं बोली इट्स सेम ओल्ड थिंग विच इज बिन समझती है पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट दैट्स इट मतलब आप ठीक है आप किसी तरीके से बचे हुए हैं पैसे आपके पास नहीं है फॉरन पॉलिसी आपकी डूबी हुई है इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी डूबी हुई है मैन पावर आपके पास नहीं है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपकी जीरो है इज्जत आपकी नहीं है इकबाल आपका जमीन के अंदर घुसा हुआ है आपको पूछ कौन रहा है आपको क्या लगता है सीरियसली कि डॉक्टर जयशंकर वक्त निकालेंगे कि चलो पाकिस्तान की बेजती इज्जत है ही नहीं भाई इज्जत है ही नहीं तो बेजती कहां से होगी ये तो आपने इंपॉसिबल काम दे दिया डॉक्टर जयशंकर जादूगर जरूर है जबरदस्त डिप्लोमैट जरूर है लेकिन पाकिस्तान की बेजती डॉक्टर जयशंकर भी नहीं कर सकते मोदी जी भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की बेजती नहीं कर सकते क्योंकि बेजती करने के लिए सबसे पहले इज्जत होना जरूरी है इज्जत है नहीं डॉक्टर जयशंकर कैसे बेजती करेंगे आर गिविंग द मैन एन इंपॉसिबल टास्क ठीक है अब हम आते हैं वा सर, वा, क्या बात है। ये, पाकिस्तान स्ट्रॉन्डेम देखिए इनका कॉन्फिडेंस देखिए भाइयों का घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने कॉन्फिडेंस देखिए भाइयों का मैं तो कॉन्फिडेंस को सल्यूट करता हूं पाकिस्तान स्ट्रॉन्गली कंडेम्स इसराइली मिनिस्टर्स इनसे मॉस्क तो अल अक्सा मॉस्क है ठीक है जिसको जूस कहते हैं टेम्पल माउंट सबसे पहले जो तो तीन धर्म है उनके लिए ये मुकदस है मान्यता प्राप्त है ठीक है सबसे पहले आया जुडाइज यानी कि यहूदियों का जो मजहब है वो सबसे पहले आया ठीक है उसके बाद आई क्रिश्चियनिटी यानी जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट के आई थिंक सात साढ़े सात सौ साल के बाद प्रॉफिट मोहम्मद आए जो इस्लाम लेकर आए ये जो है एरिया पूरा ये तीनों धर्मों के लिए मुकदस है पर पैलेस्टीनियंस को पढ़ा नहीं क्या वहां पर चुल ऐसी है को कि इजरायली मिनिस्टर वो क्यों नहीं आ सकता भाई वहां पे आपसे पहले वहां पे यहूदियों का बना हुआ था सबसे पहले वो क्यों नहीं आ सकता वहां पे ओ भाई मस्जिद पर पाक जगह है मस्जिद एक अच्छी जगह है आप लोगों ने उसको कब्जा ग्रुप क्यों अपने आप को बना लिया कि हर चीज पर कब्जा कर लो हर चीज पर कब्जा कर लो उसको टेम्पल माउंट कहते हैं जूस और जूस वहां पर इबादत जो है पूजा पाठ अपना इस्लाम के आने से हजार साल पहले से कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी लेकिन वहां पे पैलस्टीनियन पे मेजोरिटी में और जहां पे में वहां पे घुस जाते हैं अंदर कि नहीं ये जो हमारा कैसे आ गया और पाकिस्तान ने अपना मुंह खोल लिया फालतू में पैसे नहीं मिलेंगे बेटा मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों पैसे नहीं मिलेंगे इसराइल ने एक फोन करा ना सब बंद हो जाएगा सऊदी भी पैसे नहीं देगा तुम लोग कम बोला करो जरा और अपनी हाइट के अपने वजन और अपनी औकात के हिसाब से बोला करो हाइट वजन औकात ठीक है हाइट औकात वजन एच ए डब्ल्यू हॉ कितना हौ, कितना बुरा आदमी है हो के हिसाब से तुम बोला करो हाइट औकात और, और वजन के हिसाब से पहले स्क्रीन में क्या हो रहा है उससे भी दर्द है ये नहीं पता। ये नहीं नहीं पता पता कि जनवरी की तनख्वाहें कैसे देंगे पेलेस्टीन का बड़ा दर्द है कश्मीर का बड़ा दर्द है ये बड़ा दर्द है और फालतू की चीजें झूठी बातें झूठा प्रोपोगैंडा अरे भाई यहूदी क्यों नहीं जा सकता उसकी भी बात वहां पे आप भी जाओ आप भी नमाज पढ़ो वो भी अपनी प्रेयर करेगा ईसाई भी जाएगा नहीं आपने बोला कि नहीं साहब हम ही करेंगे बाकी सबको निकाल दो ऐसे होता है फिर जब वो ठोकते हैं फिर तुम रोते हो फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो पेलेटीनियंस सारे पलेस्टिनियन्स फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं हाय हाय हाँ, हमें मार दिया हम मासूम कोई मासूम मासूम नहीं है मैं आईडीएफ को इसराइल जो डिफेंस फोर्सेज हैं मैं आई को यह कहना चाहता हूं आप लोग ठोकते हैं बिल्कुल ठीक ठोकते हैं ठोकते रहिए बजाते रहो वेरी गुड आई लाइक इट ठीक है ये कह रहा है चेन इन ये इसका नाम है चाइनीज है चाइना के अंदर रहता है और यह इनका जो रूजन हॉस्पिटल है यह उसके एडवाइजरी पैनल में जो शां का कोविड एडवाइजरी पैनल है उसका में सत्तर प्रतिशत शांति की पॉपुलेशन कोविड हो चुका है और लार्जेस्ट सिटीज ऑफ ऑफ चाइना है आप समझ लीजिए वहां पे सेवेंटी परसेंट लोगों को कह रहा है कि अंदेशा है कि सत्तर प्रतिशत लोगों को uh, दे हैव हैव बीन इन्फेक्टेड विथ विथ कोविड तो इतना खतरा है जितनी जल्दी हम लोग चाइना से ट्रैवल रुके आना जाना उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा है पता नहीं है कौन सा चमका खा रहे होंगे भाई लोग इस बार क्या लेकर आएंगे आप तो कोई बताते कोविड की ये ट्रेन है जो इंडिया में फर्क नहीं आपको क्या पता दस ट्रेन हो हैं ये बताते हो ना झूठे हैं ये डब्ल्यू एच ओ ने भी इनको यही बोला कि यार बी मोर ट्रांसपेरेंट डब्ल्यू एच ओ ने यही बोला कि यू प्लीज बी मोर ट्रांसपेरेंट आप झूठ मत बोलो सबके सामने लोगों की जान नॉर्मल झूठ चलो ठीक है कि हमारे यहां कोविड ज्यादा है कम है वो ठीक है इन्होंने साफ मना कर दिया लोग मरी नहीं रहे कह रहे और डब्ल्यूएचओ परेशान हो गया डब्ल्यू एच ओ कह रहा है यार तुम लोग मरवाओगे दुनिया को इंसान के बच्चे बनो यार अच्छा आखिरी खबर है दोस्तों कि यू नो इंडियन आर्मी प्लान्स टू बाय थ्री हंड्रेड रफ एरियन व्हीकल्स ये मैं कोट कर रहा हूं इन रिक्वेस्ट प्रपोजल आर एफ पी

मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइल है प्रोक्योरमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स रफ हंड्रेड व्हीकल थ्रू प्रोक्योरमेंट कैटेगरी खरीदी जाएगी यह क्लियरली इस पर लिख लिया है कि मेक इन इंडिया के तहत ही होगा यह और इसमें कई सारी बड़ा डिटेल है, ये 75 पेज की है। तो आ, इसमें बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं कि जो एल्टीट्यूड होता है ना दोस्तों वहां पे लॉजिस्टिक्स का जो है मामला वो सबसे खतरनाक होता है लॉजिस्टिक्स यानी कि किस तरीके से खाना पहुंचाएं किस तरीके से हथियार पहुंचाएं एमुनेशन लोगों को किस तरीके से ले जाएं कैरोसिन बहुत वहां पे जरूरी होता है लाइफ लाइन है और फ्यूल कैसे दस चीजें होती हैं मतलब मैं तो आपको सिर्फ मोटी मोटी चार पांच चीजें बता रहा हूं दसियों चीजें होती हैं दसियों चीजें जो आपको हाईटीट्यूड पर ले जानी पड़ती हैं वहां पे टेंपरेचर भी ऐसे होते हैं ऑक्सीजन भी कम होती है नॉर्मल गाड़ी कभी कभी नहीं चल पाती तो इन्होंने स्पेशली इंडियन आर्मी ने बोला है कि रफ टेरेन पे हमें चलने के लिए गाड़ियां चाहिए जहां पे ऑक्सीजन 25-30 परसेंट कम है दोस्तों उस हाइट पे हजार एंड अब की हाइट पे नॉर्मल इंजन को थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है चलना ऑक्सीजन कम है फिर चाहे डीजल का हो फिर चाहे पेट्रोल का हो ठीक है आ, डीजल में और ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि कंप्रेशन इग्निशन का होता है डीजल का इंजन अब ये जो व्हीकल्स हैं ये वहां पे चलेंगी तो स्पेशल काइंड ऑफ व्हीकल्स हैं जो रफ टेरेन में चल सकती हैं और ये अच्छी बात है कि इंडियन वेंडर्स को बोला है कि भाई तुम दोगे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तुम बनाओ तुम कहते हो ना तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास बेस्ट साइंटिस्ट हैं बेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड दर्ल्ड बनाओ हम तुम्हें ठेका देते हैं गो एंड मेक इट तो ये चैलेंज भी है इंडियन मैनुफेक्चरर्स के लिए इंडियन कंपनीज के लिए जो डिफेंस के लिए बनाती हैं कि भाई तुम बनाओ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए चैलेंज है कि हाँ तुम तो मरा क्योंकि 300 का इनिशियल ऑर्डर है मुझे लगता है ये तो हजारों की तादाद में चाहिए होंगी ये गाड़ियां तीन तक लिमिटेड नहीं है इनिशियल ऑर्डर है तीन का ये हजारों की तादाद में चाहिए होंगी आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर पे भी चाहिए लाइन लाइन ऑफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सौ किलोमीटर तकरीबन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब आपका साढ़े तीन हजार किलोमीटर है यू नो तो बहुत ज्यादा आपका एरिया है जो कवर करना है मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में इंडियन आर्मी गाड़ी खरीदेगी बाद में इनिशियल तीन सौ का ऑर्डर है तो दिस इज अ गुड थिंग कि हम लोग इस टाइप की गाड़ी ला रहे हैं जो कि मैन इक्विपमेंट और सब जितनी भी चीजें हमें ले जानी है उसको उसकी पोर्टेबिलिटी को या उसको 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 आगे ले जाने को मूवमेंट को एड करेगी हेल्प करेगी तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा जय हिंद भारत माता की जय तो वीडियो भी हमने सबने देख ली तो छोटा सा अपना दे ही देते हैं तो समझ में आ गया ना एच ए और और बात करना चाहिए इस पे रह के काम करना चाहिए तो आई थिंक आपको समझना चाहिए और मजेदार बात यह है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद यार खुद हंसते हो खुद रिएक्ट करते हो क्या बात है इतना भी क्यों क्यों समझ में नहीं आता वैसे तुम लोगों की तो बैंड बहुत बजने वाली है और मेरे इस रिएक्शन चैनल को जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है पार्टी तो अभी पूरी बाकी है तो भाई आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन पे जरूर दें कि इनका हॉ एच ए डब्लू ये फॉलो करेंगे कभी कि नहीं करने वाले मैं क्या सोचती हूँ मैं जरूर आंसर करूंगी बट आप भी अपने सोच को अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए मेरे चैनल को देखते रहिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए आइकन मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और लव बाय